हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, डेसिमल। इनके दशमलव के जोड़, घटा, गुणा, भाग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कंपरिजन, है ना, ये सब हम आपको इसमें सिखा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आपको दशमलव का स्थान का ध्यान रखना होता है कि दशमलव कहाँ लिखी जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आपसे अगर ऐड भी आता है, मल्टीप्लाई आता है, सब आता है, तो भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, इस तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसे देखिए हम कैसे लिखते हैं। पहले पहले डिजिट लिखेंगे, 3.57 ये लिखा हुआ है ना, ऐड का सवाल है। अब प्लस का चिन्ह बाद में लिखा है 0.5, तो सबसे पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखेंगे और उसके बराबर में आप 5 लिखेंगे। नोनी, आप यहाँ पे स्थान छोड़ के यहाँ 5 को यहाँ लिख दे, इधर ऐसे नहीं लिख सकते। जो पॉइंट के बराबर में उसे पॉइंट के बराबर में रहना, इधर खाली स्थान रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा वाला देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, इधर 6 है, 6 लिखा, इस साइड क्या है 212, ऐसे लिखेंगे। फिर बाद में क्या है, फिर पॉइंट के पॉइंट नीचे पॉइंट लिखा, इधर 2 लिखा, इधर 5 लिख दिया। ठीक है जी, और इधर 1, इधर 8, तो ऐसे लिखेंगे। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, फिर ऐसे आप लिखेंगे। देखो, एक होती है लाइक लाइक डेसिमल नंबर। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई जैसे ये है ना, लाइक में बदलो, तो आपको इधर एक एक जीरो लगानी होती है, तो ये लाइक में बदल गई। ठीक है, और इधर भी आप एक जीरो लगा सकते हैं जहां पे नहीं है, तो ये लाइक भी हो गई। ठीक है, यानी कि समान भिन्न बनाओ, तो अब इसे आप ऐड कर सकते हो बहुत आसानी से। ऐड आपसे करने आता है, चलो करके दिखा देते हैं। 5 7 में 5 ऐड कीजिए, कितने हो गए, 12। तो 12 ऐसे लिख लीजिए अलग, और पहली वाली डिजिट को, इकाई वाली को यहाँ लिख दीजिए, और जो बचेगा वो अपना आप केरी में रह जाएगा, है ना। 5 5 10, 10 6 16, और 2 18, 18 और 1 ये हुए, कितने हो गए 19। तो 9 को आप यहाँ रखिए और 1 केरी के लिए रह जाएगा, है ना। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ लगा दीजिए, 3 और 3 कितने हो गए 6 और 1 7। ठीक है जी, अब 8 और 1 9 और 2 के 2, तो ऐसे ही हो जाएगा। बस लिखने का तरीका आना चाहिए और लिखने का यही बेस्ट मेथड है। देखिए, अब दूसरा वाला है, 512 है, यानी कि 512 है, लिख लिया। अब इसमें हमें 70.52 ऐड करना। तो पहले हम देखो, अगर किसी भी डिजिट में पॉइंट नहीं है तो उसके आगे आप पॉइंट लगा ले, और उसके आगे जितनी भी जीरो चाहे, निचले वाले में जितनी हो उतनी प्लेस तक जीरो लगा सकते हैं, है ना। अगर किसी में पॉइंट नहीं है तो उसके आगे पॉइंट लिखेंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ 7 और 0 लिखो, इधर 5 2 लिखो। ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 5 2 0 1 2 7, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदल लो, ये होगी लाइक, है ना। अब ऐड कर दो, 0 4 10 4, है जी 10 और जी 30। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आपको इन्हें प्लस कर लेना है। प्लस करने आपके आते ही है, बस आपको ये लिखने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये 700 है, इसमें से आपको क्या माइनस करना, 70.580, है ना। तो आपने
पहले सेविन को ऊपर लिख लिया, क्योंकि आपको पता जो होल पार्ट होता है यानी के पूर्ण भाग होता है वो ही बड़ा होता है। तो ये 700 है और ये 70 है तो ये बड़ा होगा। अब इसका आगे एक जीरो लगा के एक जीरो लगा दो, और पॉइंट बाद में लगा लेना, जीरो बाकी की बाद में लगा लेना, पहले पॉइंट लगा लो। अब क्या है जी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ जीरो लिखेंगे, यहाँ सेवन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 580। अब इसके ऊपर जितनी डिजिट है आगे उतनी लगा लो, अगर टू होती टू लगा लेते, अब इन्हें माइनस कर लो। माइनस कैसे करेंगे, माइनस देखो हम कभी भी सेवन से डायरेक्ट यहाँ के री नहीं ले सकते, ये हम ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो हमने यहाँ से यहाँ पे लिया, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 6 रह गए, तो 7 के 7 लिख रहे हैं, और यहाँ भी अब 10 हो गए, और यहाँ 9 रह गए, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए, यहाँ पे 9 रह गए, और यहाँ भी 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए। यहाँ तो लेने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो पहले से 0 है ना। तो यहाँ यहाँ 10 हो गए, 10 में से 8 गए 2, और ये 0 थी, 0 की 0 लिख देंगे। अब 9 में से 5 गए 4, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से स्टूडेंट यहाँ 0 है तो 9 में से घटाएंगे तो 9 ही रहे होगा। अब यहाँ 9 में 7 माइनस करेंगे 2 रह जाएंगे, और 6 में से यहाँ 0 है तो 6 ही रह जाएगा। तो ये आंसर आ गया। बस एक बार आपसे लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1000 है, इसका अगर पॉइंट लगा लो, और नीचे पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, और जो भी संख्या है उसे ऐसे लिख दो। अब इसका आगे यहाँ 3 0 आ जाएंगे, और इधर 0 0 लिख दो, अब माइनस कर दो। तो आप यहाँ से कैरी लेंगे, अब ये ऊपर आपको सिखा कैसे करना, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, बाकी सब जगह 9 रह जाएंगे, और यहाँ भी 0 रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 1 बचे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से, अच्छा 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 0 गए 9, और यहाँ 0, इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। अब लास्ट वाला देखिए, 92.799 और 9 है ना। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पॉइंट के बराबर में 8 है, 8 लिखा, और इधर 5 और 0 लिखा, यहाँ खाली स्थान रहेगा तो यहाँ एक 0 अपने पास से लगा देंगे, और इधर भी। अब माइनस कर लीजिए, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 5 गए 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा। अब यहाँ 7 है, 7 में से 8 माइनस नहीं होने के, कैरी इधर से ले लिया, यहाँ 17 हो गए, और यहाँ 1 रह गए, है ना। तो 17 में से 8 माइनस कर दो तो 9 बच गए। अब यहाँ 1 में से 0 गए 1, और 9 में से 0 गए 9, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह हम जो दशमलव वाले सवाल है, प्लस माइनस के जो भी सवाल होंगे, उनमें एक ही बात का ध्यान रखना कि दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना, ठीक है ना, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।